पंजाब फूड अथॉरिटी भी इन एक्शन है। कैचअप और मायनीज तैयार करने वाले 35 प्रोडक्शन यूनिट्स की चेकिंग की, 2 को सील किया जबकि 25 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए। इमरान मलिक से अपडेट्स लेंगे। इमरान मलिक, इस हवाले से बताएं। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की कैचअप और मायनीज प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग की गया, जिस पर कैचअप और मायनीज तैयार करने वाले 35 प्रोडक्शन यूनिट की चेकिंग, 2 सील कर दिए गए हैं जबकि 25 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिया गया। टमाटर के बगैर खुले ट्रैक्टर रंगों में और मुजर से केमिकल से कैचअप तैयार करने पर सील किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान का ये कहना है कि तैयार कैचअप और मायनीज को नीले केमिकल ड्रम्स में स्टोर किया जा रहा था जबकि गलत लेबलिंग, नाकिस स्टोरेज, गंदे और बदबूदार माहौल पर प्रोडक्शन यूनिट को सील किया गया। कैचअप और मायनीज की तैयारी की मजबूरी तो सूरत बेहतर नहीं पाई गई, जिस पर डीजी फूड अथॉरिटी का ये कहना है कि जायदुल मियाद शाह की फरोख पर एचएसएन कॉलेज की कंटीन को भी सील कर दिया गया और इसके साथ साथ नाकिस इंतजाम पर एचएसएन कॉलेज की चटहारा कंटीन को भारी जुर्माना भी किया गया। शिकायत वसूल होने पर लाहौर रोज इशरा ब्रांच की चेकिंग नाकिस इंतजाम पर सील की गई है। इसी तरह गुटखा फरोख करने पर भी मौला बख्श पान शॉप सील कर दी गई है जहाँ से भारी मकदार में। शुक्रिया इमरान मलिक, आपने पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से तफसीलन अपडेट किया।